इस वेले दी वड़ी खबर जलंधर दे हलका आदमपुर दे अधीन पेंदे पिंड सलाला तो सामने रही है, जिथे कि नशेड़ी नौजवान दे वलों पहला गुरु घर दे बाहर सड़क ते हंगामा किया गया अते फिर यह नौजवान जिहड़ा है गुरु घर दे अंदर दाखिल होया। उत्थे भी इस दे वलों हंगामा किया गया, गुरु घर दे विच रखे समान की तोड़ भन इस नौजवान दे वलों की जाती है। तो गुरु घर दे विच जिहड़े फ्लावर पॉट पए सन उन्होंने इस नौजवान दे वलों तोड़ दिता गया अते नौजवान की पहचान जिहड़ी है गगनदीप दे रूप विच होई है, जिस दे वलों गुरु घर दे विच ये हंगामा किया गया। तो गगनदीप ने गुरु घर दे विच लगे शीशे नूं जदों मुक्का मार के तोड़न की कोशिश की तो इस दौरान उसकी बांह की नस कटी अते उह जख्मी हो गया। तो पिंड दे लोकां दे वलों उसनूं इलाज लई हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया, जिथे उसकी मौत हो गई है। तो घटना तो बाद गुरु घर दी प्रबंधक कमेटी ने कहा कि यह लड़का साढ़े पिंड का ही है, जिस दे वलों गुरु घर दे विच बेअदबी की कोशिश की गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के वालों मामला दर्ज कर अगे की जांच जी है शुरू कर दी गई है। तो बेहद मंदभागी खबर थोड़े तक पहुंचा रहे हैं कि एक पिंड दे विच एक नौजवान दे वलों जो नशे की हालत में सी उसके वलों गुरु घर दे विच दाखिल होकर हुल्लड़बाजी की जाती है। इस दौरान घटना वापरती है और उसकी मौत हो जाती है। तो जो इस नौजवान दे वलों गुरु घर दे विच हुल्लड़बाजी की जा रही थी तो इसके परिवारक मैंबर भी उत्थे ही मौजूद सन, जिन्होंने इस नूं रोकण की कोशिश की पर यह नहीं मनिया। इस दौरान जो इस दे वलों शीशा तोड़न की कोशिश की गई तो इस दी नस कटी अते इलाज दौरान नौजवान की मौत हो गई है, जिसका नाम गगनदीप सिंह दसया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के वालों मामला दर्ज कर अगे की जांच जी है शुरू कर दी गई है। तो मामले की वधेरे जानकारी देंदे हुए पुलिस अधिकारी का की कुछ कहना है आओ तुहानू भी सुनाउने आ। बेअदबी वाला मामला होया की सी? असीं इत्थे 3 बजे दी गल है, 7:30 बजे सलाला पिंड है। इत्थे पिंड दा इक मुंडा गगनदीप सिंह गग 30 साल का मुंडा, मतलब ज्यादा कोई नशा किया सी या कोई शराब पीती सी। वो हाल च पहलों गुरुद्वारा साहब के बाहर आया, उत्थे उत्थे सड़क ते जिवें आंदे जांदे लोकां नूं तंग करन लग गया। उस तो बाद हुण जिवें आपां जिथे खड़े हाँ गुरुद्वारा साहब के कॉम्पलैक्स, इत्थे अंदर आ गया, इत्थे हुड़दम मचाण लग गया। उन्हें अपनी शर्ट उतारती, उसके सिर पर उन्हें कोई परना वगैरह बन्नया होया सी। उस तो बाद चलो जिहड़े मौके पर बंदे हाजिर से उन्होंने उन्हें रोकण की कोशिश की, वो अंदर फिर मेन दरबार साहब के अंदर चले गया। उत्थे जाके पहला वो लिट गया, पिया रहा थले, फिर उन्हें एक फ्लावर पॉट जहा चक लिया, इधर उधर मारन लग गया। तो उस तो बाद जिवें पिछे मगर ही हैड ग्रंथी साहब का घर है उन्होंने पासे बढ़ गया। उन्नी देर तक 2-3 कमेटी मैंबर भी उत्थे आ गए थे, उसकी वाइफ भी मुंडे की इतें ही सी, सारे रोकण की कोशिश कर रहे थे। उन्हें करते उत्थे जिहड़ा शीशे वाला दरवाजा है उत्थे उन्हें मुक्का मारिया, वो उत्थे ब्लीडिंग शुरू हो गई। 1-2 मिनट के जिन्हें उत्थे डिग गया, जिन्हें बेहोश हो गया, उन्होंने इतों चक के लैके हॉस्पिटल उत्थे जाके उसकी डैथ हो गई। सारा जिहड़ा इंसीडेंट है गुरुद्वारा साहब कमेटी ने जिहड़े कैमरे लवाए हुए हैं, सारा इंसीडेंट कैमरे च कवर्ड है। ये असीं रब का शुक्र करते हैं कि चलो महाराज प्रकाश होए हुए इस पर पाठ नहीं हो रहा है। बेअदबी वाली यह जी गल असी सारे ने, मैं पिंड वाले ते नाल जिहड़े दोनों कमेटी मैंबर SHO साहब असी सारे ने कट्ठी वीडियो देखी ते असी उहदे ते पाठ कहिंदे ग्रंथ साहब पाठ कर रहे सी, कोई खिच कोई कीती ग्रंथ साहब? नहीं पाठ नहीं सी हो रहा। ये जिहड़ियां इदां बेअदबी दीआं घटनां हो रहीआं ते जिम्मेवार की मानदे आ तुसीं? प्रबंधक कमेटियां दी खामी आ कि क्या दी? प्रबंधक कमेटी दी कोई खामी नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। हूँ जो कोई कोई मतलब बंदा नशे की हालत कोई अंदर आ जाता है, सगो मैं तो पिंड वालों का कमेटी वालों का धन्यवाद करना चाहना, इन्होंने जिहड़े भी सीगे मुंडे सारे एक्टिव सीगे, उन्होंने नाल ही देख लिया कि कोई शरारती बंदा अंदर जा रहा है, इन्होंने नाल ही उत्थे सिचुएशन नूं कंट्रोल करने दी कोशिश। सर वो बंदे दी हुण फिर मौत हो गई जिहड़ा अंदर गया शरारती? हाँ जी, वो सानूं हॉस्पिटल तो इनफॉर्मेशन आई है। अच्छा ठीक, कि कार्रवाई की सर? कार्रवाई की थी नहीं, हाले असी कमेटी के जो बंदे हाजिर थे उन्हों का बयान लै रहे हैं, हाले एक बार 174 की कार्रवाई करा। उस बाद जो कोई होर फर्दर गल कोई सामने आई तो ठीक है। सो नवी ताज़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहो स्काई न्यूज़ पंजाब के साथ।